कहाँ पे ट्रक जा भी सकता है इस एरिया में, कहाँ नहीं है। ये दिखा तो रहा था कि इधर से जाने को, बट मुझे तो छोटा सा रास्ता लग रहा है इधर से। बस कहीं फंस ना जाऊँ। ये मैं अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, और ये मुझे जिस जगह जाना है वो अराउंड मॉन्ट्रियल से 50 किलोमीटर दूर है। सो मैं अभी जिस हाईवे पर हूँ ये सीधे जाता है ऑन्टेरियो को, टोरंटो हाईवे है सीधे, वहीं पर जाता है ये। एंड मुझे तो थोड़ा पहले ही अभी एग्जिट ले लेना है, बट ये हाईवे डायरेक्ट वहीं जाएगा। अभी कितना ही सुंदर सारा हो चुका है, सब कुछ जैसे मतलब विंटर आने वाली है ना, तो सारा भी ये पतझड़ चल रहा है, एंड सारे पेड़ पौधे सब कुछ अभी इस तरह लाल हो गए हैं, ऑरेंज हो गए हैं सारे पत्ते, और कुछ दिन में ये झड़ जाएंगे एंड स्नो आ जाएगी। तो अभी जो है यही है खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, खूबसूरत है ये सारा, इधर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू, बट कुछ ही दिन की बात है फिर इस पर पूरे पे स्नो हो जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि आगे ट्रक जा सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा कि आगे ट्रक जा भी सकता है या नहीं। बस ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी एक जगह आ गई है, बहुत ही मुश्किल सा हो रहा है अभी इधर से जाना। मैं कोई रेजिडेंशियल एरिया में आ गई हूँ, और मुझे दिखा भी रहा है कि कंपनी यहीं थोड़े कहीं आगे है, पता नहीं मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिखा भी रहा है कि कंपनी इधर ही कहीं है, और ट्रक जाने का इतना है भी नहीं रास्ता। मना भी नहीं है कि ट्रक नहीं जा सकता, वहाँ ट्रक का मतलब बन रहा था साइन कि ट्रक जा भी सकता, बट ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी रेजिडेंशियल है। सो 28 जा सकता है, 34 30, कोई आइडिया नहीं है कि ये जा भी पाएगा या नहीं। रास्ते हैं यहाँ के काफी ही छोटे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कहाँ पे ट्रक जा भी सकता है इस एरिया में, कहाँ नहीं है। ये दिखा तो रहा था कि इधर से जाने को, बट मुझे तो छोटा सा रास्ता लग रहा है इधर से, घर से तो नहीं जा रही। बिकॉज लेफ्ट लेने को ये जो भी बोल रहा है कि लेफ्ट में लो, वो सारी काफी मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी स्ट्रीट्स हैं ये। सो मैं इतना बड़ा ट्रक लेफ्ट में तो ले नहीं सकती, बट आई थिंक मैं यहाँ से शायद ले सकती हूँ। यस, ये एक बड़ा रोड आ रहा है आगे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक भी मुड़ रहे हैं, सब मुड़ रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ मैं भी मुड़ सकती हूँ। कभी जब ऐसी जगहों पर आ जाओ जहाँ कुछ आइडिया ही ना हो, थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक तो दूसरी सिटी है, कोई आइडिया तो है ही नहीं कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, उसके साथ साथ रोड बहुत छोटे हैं, साथ में ये पानी है पूरा, इसमें मोड़ सकती हूँ मुझे ऐसा लगता है। बस आगे और भी ट्रक गए हुए थे, सो मुझे लगता है कि मोड़ सकती हूँ, बट वो ट्रक है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रक, बट नो आइडिया।
कहीं फंस ना जाऊं, लेकिन कंपनी भी आगे यही दिखा रहा है। सुन, देखते हैं क्या है। जब इतनी छोटी सी गलियां हो ना तो टेंशन थोड़ी होती है कि मतलब टर्न हो पाएगा ट्रक या नहीं, यही टेंशन है। और तो कोई खास है नहीं, और तो क्या ही टेंशन होनी। देखकर एक जगह पे मतलब राइट भी लेना है आगे जाके, तो बड़ा देख के करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की गलियां राइट लायक है नहीं, इसलिए। वैसे यहाँ राइट हो सकता था शायद। चलें देखते हैं आगे से कोई बढ़िया से अच्छा सा रास्ता मिलेगा ना, जहाँ राइट हो सकता है वहां से राइट ले लूंगी। एक खुला सा रास्ता चाहिए, जो खुला सा हो जहां पर राइट ले सकते हैं ढंग से। से राइट लेने को बोल रहा है, देखते हूँ स्पेस होगा तो ही ले सकती हूँ। ये लग तो नहीं रहा कि ये स्पेस है। वैसे मैं ले सकती थी, जो भी गली राइट में सही सी लगती है वहीं से लेना पड़ेगा टर्न। यहाँ ट्रक तो खड़े हैं, वैसे जैसे ये ट्रक है। अब ये 100 मीटर पे मुझे राइट लेने को बोल रहा है। अब तो मुझे लेना ही, अभी मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं। यहाँ राइट में कहीं कंपनी है, अच्छा तो मुझको लगता है कि ये कंपनी है।